तो कैसे हो दोस्तों? मुझे तो लगता है कि हर कोई अनसेटिस्फाई ही है। जैसे जो सिंगल है वो तो अपने हाथों से काम चला रहा है। और हाँ, मैं सिर्फ लड़कों की ही बात नहीं कर रहा, लड़कियों का भी वही हाल है। और हाँ, जिनकी शादी हो गई है वो तो भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने बिजी है कि अपने घोड़े को दौड़ाने का टाइम ही नहीं है उनके पास। इसलिए औरतें भी घोड़े की सवारी को मिस कर रही है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आज की मूवी, जिसका नाम है द ओपन मैरिज। नाम की ही तरह ये एक ओपन रिलेशनशिप, मतलब कपल्स किसी दूसरे के साथ भी हुकअप कर सकते हैं। जैसे अगर पति काम में बिजी है तो पत्नी किसी और के घोड़े की सवारी कर सकती है, और पत्नी के बिजी रहने पर पति का घोड़ा भी किसी और औरत की झील में डुबकी लगा सकता है। अब इस रिश्ते से दोनों पति पत्नी साथ रहकर खुश भी है और अपनी नीड भी पूरी कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक हाउसवाइफ अयाका को दिखाते हुए, जो खुद की झील में से अपना पानी निकालकर अपनी जिस्म की आग को बुझा रही थी। उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि वो बहुत अकेली है। उसका हस्बैंड सिंगू काफी अमीर था, तो अयाका जब उससे बोलती है कि वो काम करना चाहती है क्योंकि उसके पास पूरा दिन कुछ करने को नहीं रहता है, तो पहले सिंगू उसे स्पोर्ट्स क्लब में जाने को बोलता है। पर अयाका को स्पोर्ट्स में दिलचस्पी नहीं थी, तो सिंगू उसे काम करने की इजाजत दे देता है। अब रात में बेड पर अयाका सिंगू के घोड़े को तैयार करने की कोशिश कर रही थी, पर सिंगू उठने का नाम ही नहीं लेता है। तो अयाका सिंगू के घोड़े को अपनी जबान से साफ करती है, पर सिंगू का मूड अभी भी नहीं बनता क्योंकि उसे कल ऑफिस जल्दी जाना था। अगले दिन ऑफिस में सिंगू का बॉस सिरोटा उससे सवाल करता है कि क्या वो रात भर अपनी सेक्सी वाइफ को हॉर्स राइडिंग करवा रहा था या अपने ऑफिस में जमाई ले रहा था। तो सिंगू ने सब कुछ सच सच बता देता है कि काफी महीनों से वो सेक्सलेस है। तो उसका बॉस उसे सजेशन देता है कि वो बच्चा पैदा कर ले, क्योंकि 40 साल के बाद बाप बनना मुश्किल होता है क्योंकि उसने भी ये गलती करी है। एडवाइस देने के बाद सिरोटा सिंगू को उसका नया प्रोजेक्ट थमा देता है। इधर घर पर हम अयाका का डेली रूटीन देखते हैं। वो घर की सफाई करने के बाद कपड़े धोती है, बाजार से डिनर के लिए सब्जियां लाती है, खाना बनाती है, और यही साइकिल हर रोज रिपीट होता है। अब ऑफिस में सिरोटा सिंगू को ओपन मैरिज के बारे में बताता है, जिसे 1970 में अमेरिका के अंदर लीगल कर दिया था। अब इसमें होता यह है कि पति पत्नी अपनी मर्जी से किसी और के साथ हुकअप करते हैं। सिंगो भी समझ जाता है कि यह एक तरह का ऑफिशियल अफेयर है जो कपल एक दूसरे की जानकारी में करते हैं। सिरोटा उसे इस ओपन मैरिज पर आर्टिकल लिखने को बोलता है, जिसके लिए सिंगो को ओपन मैरिज का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी था। सिंगो तो पहले इसके लिए मना करता है, पर सिरोटा उसे समझा देता है कि वो राइटर पर पैसे खर्च नहीं कर सकता, और जब उसे खुद एक लेडी अपने पास बुला रही है तो उसे प्रॉब्लम ही क्या है। सिंगो को भी झील का पानी पिए हुए काफी दिन हो गए थे, तो वो भी सिरोटा की बात से कन्विंस हो जाता है। घर आने पर सिंगो ओपन मैरिज के बारे में अयाका को बताता है। अयाका को ओपन मैरिज चीटिंग की तरह लगता है, मानो वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हो। पर सिंगो सिरोटा के बारे में अयाका को बताता है कि वो लोग भी ये ट्राई कर रहे हैं, और यह एक मॉडर्न लाइफस्टाइल है जिंदगी को खुल के जीने का। रात में वापस अयाका सिंगू के घोड़े की सवारी करने की कोशिश करती है, पर सिंगू वापस सो जाता है। अगले दिन सिरोटा एक हॉट लेडी की फोटो सिंगू को दिखाता है। सिंगू को भी वो लेडी पसंद आती है, तो सिरोटा सिंगू को उस लेडी के पास जाने के लिए बोलता है। सिंगू अपने बॉस को यह करने से मना कर रहा था, पर सिरोटा वहां से यह बोलकर चला जाता है कि उसका घोड़ा आज थकना नहीं चाहिए। इधर घर पर हम अकाया को देखते हैं, जो अपने झील के मीठे पानी को निकालकर खुद ही पी रही थी, और इमेजिन करती है कि वो सिंगू के ऑफिस में उसकी एक इम्पोर्टेंट फाइल पहुंचाने गई है, और उसे मिस्टर सिरोटा वहां मिलते हैं, जो उसकी खूबसूरती की तारीफ करके उसे सीड्यूस करने लगते हैं, और फिर उसके संतरों को दबाकर उसका सारा रस पीने के बाद वो उसकी झील से पानी निकालते हुए अपने घोड़े की सवारी करवाते हैं। तभी वहाँ सिंगू भी आ जाता है, पर अयाका सिंगू के सामने ही सिरोटा के घोड़े की सवारी करके खुश हो रही थी। ये सब बस अकाया की फैंटेसी थी। अब रात में सिंगू उस लेडी मिसुजू से मिलता है, जिसके साथ सिरोटा ने उसकी मीटिंग फिक्स की थी। इधर घर पर अकाया डिनर के लिए वेट कर रही थी, पर सिंगू तो उधर 10 बार लगातार मिसुजू को मंजिल तक पहुंचाता है। जब सिंगू घर आता है तो उसके जेब से अकाया को होटल का लाइटर मिलता है, तो सिंगू उसे सब कुछ बता देता है कि उसने ओपन मैरिज ट्राई किया है। पहले तो अकाया सिंगू से पूछती है कि उसे मजा आया कि नहीं, तो सिंगू सच सच बता देता है कि उसे बहुत मजा आया, और तब अकाया उस पर भड़क जाती है क्योंकि सिंगू उसे छोड़कर किसी और के झील का पानी पी रहा था। रोज रात में अकाया इतना ट्राई करती है, पर फिर भी सिंगू ने उसकी झील के मीठे पानी को महसूस तक नहीं किया था। इस बात से अकाया बहुत नाराज होती है और वो वहां से चली जाती है। अगले दिन सिंगू ये सारी बात सिरोटा को बताता है कि उसकी वाइफ उस पर गुस्सा है, तो सिरोटा बहुत हंसता है। फिर सिरोटा को पता चलता है कि मिसुजू ने सिंगू को बहुत मजे दिए, तो सिरोटा सिंगू को मिसुजू का ध्यान रखने के लिए बोलता है। वही रात में अगाया ने भी ओपन मैरिज साइट पर खुद को लॉगिन कर लिया था, और जब ये बात सिंगू को पता चलता है तो वो उसे एक अच्छे क्लाइंट से मिलने को भेजता है। तो अगले दिन अकाया एक एड्रेस पर जाती है, जहां उसे एक मास्टर अपने असिस्टेंट नंबा कुन के साथ मिलाता है। वेल तो नंबा कुन के जाने के बाद मास्टर अकाया तो उसके कपड़े उतारने को बोलता है, ताकि वो उसके जिस्म की फोटो बना सके। शर्माते हुए अकाया भी अपने कपड़े उतार कर अपने टांगों को मास्टर के सामने खोल देती है। अकाया के झील का पानी देखकर मास्टर के मुंह में भी पानी आ गया था, पर उम्र ज्यादा होने की वजह से वो सिर्फ अकाया के झील से निकलते पानी की पेंटिंग ही बना पा रहा था।
पर तभी वहाँ नंबाकुन आता है और अपने कपड़े अकाया के सामने उतार देता है। अकाया नंबाकुन के घोड़े को देखकर एक्साइटेड हो गई थी और उसके घोड़े के ऊपर टूट पड़ती है और दोनों मास्टर के सामने ही शुरू हो जाते हैं। और इस दरमियान मास्टर अकाया के फेस एक्सप्रेशन को पेंटिंग में उतार रहे थे। काफी देर बाद वो उन दोनों को रोक कर अकाया को घर भेज देते हैं। घर पर सिंगो अकाया का इंतजार कर रहा था। अकाया थक हार कर घर आती है, बट अकाया अंदर से काफी खुश थी क्योंकि उसने काफी दिनों के बाद आज केला खाया था। वही अगले दिन सिंगो को अकाया अपना एक्सपीरियंस लिखकर मेल करती है, जिसे पढ़कर वो बहुत खुश था। अगले दिन अकाया अपने अंडरगार्मेंट्स नहीं पहनती है क्योंकि मास्टर ने बोला था। अब जब बिना अंडरगार्मेंट्स अकाया मास्टर से मिलती है तो मास्टर उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अब जब अकाया नंबाकुन के साथ घर आ रही थी तो उसके झील का पानी ओवरफ्लो करने लगता है और सड़क पर मौजूद लोग उसे घूर घूर कर देखे जा रहे थे। तो अकाया नंबा से बोलती है कि जल्दी से उसे उसका घोड़ा दे। तो दोनों एक पार्क में टॉयलेट में आते हैं। उसी पार्क में शिरोडा बैठकर लंच कर रहा था और वो उन्हें एक साथ देख लेता है। वहीं टॉयलेट में आने के बाद दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। नंबाकुन ने अकाया को अपने घोड़े पर चढ़ा के उसे दूर तक सवारी करवाया ताकि अकाया की आग शांत हो सके। अब उन्होंने साथ में कितने मजे किए ये शिरोडा को भी पता है। तो नंबाकुन जब अकाया को उसके घर पहुंचा कर चला जाता है तो शिरोडा अकाया के घर जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। अकाया भी शिरोडा को जानती थी, वो उसे घर के अंदर चाय पीने को बुलाती है, जहाँ शिरोडा अकाया को बताता है कि वो अभी अभी किसके घोड़े की सवारी करके आ रही है, पर वो भी उसे अपने घोड़े की सवारी करवाना चाहता है। अब जैसे ही शिरोडा अकाया के साथ जबरदस्ती करने लगता है तो अकाया उसे धक्का देकर घर से निकल जाने को बोलती है। शिरोडा भी उसे माफी मांगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अकाया के जिस्म की आग अभी भी शांत नहीं हुई है। अब शिरोडा जा ही रहा था कि अकाया उसे रोकती है और उसके सामने सारे कपड़े उतार देती है। इधर सिंगो भी लगातार मिसुजू के मजे ले रहा था। मिसुजू उसे उसकी वाइफ से मिलवाने को बोलती है तो सिंगो उसे मना कर देता है क्योंकि उसकी वाइफ अभी ओपन मैरिज को लेकर न्यू थी। पर घर आने पर वो देखता है कि अकाया उसके ही बॉस के घोड़े की सवारी कर रही है। सिंगो को देखने के बाद अकाया अपने रफ्तार और बढ़ा देती है। सिंगो बेचारा चुपचाप ये सब देख रहा था। वही काम खत्म होने के बाद अकाया सिंगो से बोलती है कि वो भी देखना चाहती है कि वो मिसुजू को अपने घोड़े पर कैसे दौड़ाता है। तो अगले दिन अकाया सिंगो और मिसुजू के लाइव कार्यक्रम का आनंद लेती है। वही हम देख पाते हैं अब ये रिलेशनशिप ऑफिशियल हो गया और मिसुजू भी उन्हीं के साथ घुल मिल गई है और तीनों अब साथ में भी मजे करने लगे थे। अकाया नंबाकुन और शिरोडा दोनों के घोड़े के मजे ले रही थी। अब नंबाकुन बाहर जाने वाला था तो अकाया उसे गुड बाय बोलती है, पर नंबा उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। अकाया तो नंबा के साथ ज्यादा खुश थी तो वो भी सिंगो से डिवोर्स की बात करती है। दोनों राजी तो हो जाते हैं, पर सिंगो को बुरा लगने लगता है कि वो अपनी वाइफ को खोने वाला है। अब इन सब का जिम्मेवार वो अपने बॉस शिरोडा को बताता है और जब वो मिसुजू को अपने घोड़े पर दौड़ा रहा था तब वो डिसाइड करता है कि वो अपनी पत्नी के साथ ही रहेगा और ये ओपन मैरिज का लिविंग स्टाइल छोड़ देगा। उधर अकाया भी नंबा के घोड़े पर बैठकर दौड़ रही थी और वो भी अपने डिवोर्स के बारे में सोच रही थी, जिस वजह से मास्टर को अकाया का रिएक्शन नहीं मिल रहा होता है और उसे एक इंजेक्शन को दिखाकर उसे कंसंट्रेट करने को बोलता है। पर अकाया वहां से अपने कपड़े लेकर भागकर अपने घर आ जाती है। सिंगो भी घर आ रहा था और वो घर पहुंचकर अकाया को गले लगाता है और किस करते हुए बेड पर उसे अपने घोड़े की सवारी करवाता है, जिस वजह से अकाया भी बहुत खुश थी। यहां ये मूवी तो खत्म हो जाती है, पर जाते जाते हमें एक संदेश दे जाती है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो एक दूसरे को अपनी फीलिंग बताओ, नहीं तो मत रहो। अगर उनमें प्यार होगा तभी वो एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पर 500 लाइक पूरा होने के बाद मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।